हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं पाइथन यानी ओ लेवल का M3R5। ये थ्योरी क्वेश्चन हैं यानी MCQ टाइप के। आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे 2 घंटे के लिए। हम आज देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन। इस 100 में से आपको 50+ क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे और उनमें से हम पहले देख रहे हैं 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से 10 में से 3-4 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, हु क्रिएटेड पाइथन। पाइथन किसने बनाया था? डेनिस रिची, टॉम स्क्रूज, गुडे वैन रसन और जेम्स ग्लॉसिन। तो इसका सही आंसर है सी नंबर, गुडे वैन रसन। अगला क्वेश्चन है, इन पाइथन विच कीवर्ड इज़ यूज टू स्टार्ट फंक्शन। फंक्शन को चालू करने के लिए कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है? इम्पोर्ट, डेफ, फंक्शन, ट्राई। तो सभी लोग जानते होंगे डेफ का, ठीक है, डेफ कीवर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, पाइथन वाज रिलीज पब्लिकली इन विच ईयर। पाइथन पब्लिक के रूप पब्लिकली कब रिलीज किया गया था? 1991, 1981, 1961 और 1971। तो इसका सही आंसर है ए नंबर, 1991। अगला क्वेश्चन है 4, इन पाइथन विच इज़ द करेक्ट मेथड टू लोड ए मॉड्यूल। एक मॉड्यूल को लोड करने के लिए पाइथन में सबसे अच्छा कौन सा मेथड है, करेक्ट है? ठीक है, तो इंक्लूड मैथ्स, हैज इंक्लूड मैथ्स, यूजिंग मैथ, इम्पोर्ट मैथ। तो कोई भी मॉड्यूल आप अगर शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में तो उसके लिए आपको लिखना होता है इम्पोर्ट और उसके बाद मॉड्यूल का नाम। तो डी नंबर बिल्कुल सही है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ 10। इसके बाद है, पाइथन इज सेड टू बी इजली। पाइथन को बिल्कुल ईजली क्यों कहा जाता है? बग एबल लैंग्वेज है, स्किप्ट एबल लैंग्वेज है, या वेरिएबल राइटेबल लैंग्वेज है, या रीडेबल लैंग्वेज है? इनमें से कौन सा बेस्ट है? तो क्यों ईजली कहा जाता है इसको? तो इसका आंसर है डी, रीडेबल लैंग्वेज है, ठीक है, रीडेबल है। अगला है, विच फंक्शन इज यूज टू ओपन द फाइल फॉर रीडिंग इन पाइथन। पाइथन में फाइल को कौन सा फंक्शन है जो फाइल को रीड करने के लिए ओपन करेगा? ओपन फाइल, फाइल नेम कॉमा मोड, ओपन हाइफन फाइल, अंडरस्कोर फाइल, फाइल नेम कॉमा मोड। अगला है एफ ओपन, फाइल नेम कॉमा मोड। अगला है ओपन, फाइल नेम कॉमा मोड। तो इनमें से कौन सा तरीका है जो इस्तेमाल करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे लास्ट में 3rd नंबर है, ओपन फंक्शन इस्तेमाल होता है, फिर फाइल का नेम लिखते हैं और कॉमा लगा के मोड लिखते हैं। हालांकि इन दोनों में इनवर्टेड कॉमा की ज़रूरत होती है, पर आप ऐसे एज ए फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक, बताने के लिए। तो इसका डी नंबर बिल्कुल सही हो गया। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्टेड ए स्ट्रिंग इंटू फ्रोजन सेट इन पाइथन। फ्रोजन सेट, सेट, कैर या डिक्शनरी। तो फ्रोजन सेट के लिए ये फंक्शन फ्रोजन सेट ही इस्तेमाल होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप इज नॉट सपोर्टेड इन पाइथन। ठीक है, इनमें से कौन सा डेटा टाइप पाइथन में अवेलेबल नहीं है या सपोर्ट नहीं करता? स्लाइस, नंबर्स, लिस्ट और स्ट्रिंग रॉन्ग, इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो नंबर्स होता है, लिस्ट होता है, स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग रॉन्ग होता है, स्लाइस कोई ये आपका डेटा टाइप नहीं है, स्लाइसिंग एक तरीका होता है न कि डेटा टाइप, ठीक है। तो ए नंबर आपका ये नहीं अवेलेबल है पाइथन में। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ डेटा टाइप फॉर करेक्टर इन पाइथन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, ठीक है, तो इनमें से कौन सा एक करेक्टर के लिए डेटा टाइप है पाइथन में? कैर, पाइथन डज नॉट हैव एनी डेटा टाइप फॉर करेक्टर, दे आर ट्रीटेड एज स्ट्रिंग। पाइथन में कोई भी डेटा टाइप करेक्टर के लिए अवेलेबल नहीं है, वो स्ट्रिंग के तौर पर ट्रीट किए जाते हैं। अगला ऑप्शन है करेक्टर और अगला ऑप्शन है कैर, ठीक है। तो देखिए, कैर इंट टाइप का कोई भी डेटा टाइप अवेलेबल नहीं है CHR टाइप का या कैर टाइप का पाइथन में। पाइथन एज ए स्ट्रिंग ही सिम्बलाइज किया जाता है या ट्रीट किया जाता है। तो बी नंबर इसका बिल्कुल सही है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज़ वैलिड प्लेस होल्डर फॉर बॉडी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन की बॉडी के अंदर प्लेस होल्डर के रूप में सबसे अच्छा वैलिड कीवर्ड कौन सा है? कंटिन्यू, ब्रेक, बॉडी या पास। इसका सही आंसर है आपका ब्रेक कीवर्ड, ठीक है। तो ये थे पहले 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कम 5 या 4 कम से कम ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं आगे पूरे 90 क्वेश्चन, जिनमें से आपको 50 तक मिलेंगे, लेकिन क्वेश्चन में एक वैल्यू चेंज हो सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो
पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन डिबगिंग के दौरान निष्पादन प्रवाह का हिस्सा नहीं है। फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन फ्लो ड्यूरिंग डिबगिंग। देखिए क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया जा रहा है ताकि आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो इसका सही आंसर कौन सा, स्टेप अप, स्टेप ओवर, स्टेप आउट या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है स्टेप अप, ठीक है, ए नंबर। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, एक प्रोग्राम को रन करने के लिए स्टेप्स के सही सीक्वेंस की पहचान करें। यानी पहले क्या होता है फिर क्या होता है, यानी पहले लिंक होता है फिर कोड, कंपाइल और एग्जीक्यूट। दूसरा ऑप्शन है कोड, कंपाइल, लिंक, एग्जीक्यूट एवं लोड। तीसरा ऑप्शन है कोड, कंपाइल, लिंक, लोड एवं एग्जीक्यूट। और चौथा ऑप्शन है कंपाइल, कोड, लिंक, लोड एवं एग्जीक्यूट। तो पहले कौन चालू होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कोड होता है, यानी आप कोड लिखेंगे, फिर उसको कंपाइल करते हैं, फिर लिंक करते हैं और फिर आप उसे एग्जीक्यूट करते हैं लोड करके, ठीक है। तो इसका बी नंबर बिल्कुल सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेटेड सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कौन अनुवाद करता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या इनमें से कोई नहीं। ये सभी लोग जानते होंगे कंपाइलर का काम है सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में ट्रांसलेट करना। अगला है, फंक्शन ऑफ द कंपाइलर इज टू, एक कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है। प्रोग्राम द्वारा आवश्यक फाइल और फंक्शन को एक साथ रखें, या प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूट के लिए उपयुक्त फॉर्म के में निर्देश के अनुसार अनुवाद करें, या एग्जीक्यूटेबल कोड मेमोरी में लोड करें और उन्हें एग्जीक्यूट करें, या फिर यूजर को प्रोग्राम टाइप करने की अनुमति देता है। तो एक फंक्शन क्या काम करता है, इसका सही आंसर है प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूट के लिए उपयुक्त फॉर्म में निर्देशों का अनुवादन करता है। सुटेबल एग्जीक्यूटेबल फॉर प्रोग्राम्स, आप जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसके हिसाब से एक फंक्शन आप काम करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। ट्रांसलेट द इंस्ट्रक्शंस इनटू ए फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन बाय द प्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम का आरेख। अब इस तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। इस तरह के क्वेश्चन आपको 20 क्वेश्चन थ्योरी वाले इस तरह के मिलेंगे बिना प्रोग्राम के, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रोग्राम वाले भी मिलेंगे, पर अभी हम थ्योरी वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद प्रोग्राम वाले क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, एल्गोरिथम का आरेखण प्रस्तुतिकरण है कौन सा है, फ्लो चार्ट बोलते हैं या फिर सुडो कोड बोलते हैं या चार्ट बोलते हैं या ग्राफ बोलते हैं। तो ये भी सभी लोग जानते होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहला है फ्लो चार्ट, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फ्लो चार्ट। एल्गोरिथम को अगर आप आरेख में लिखते हैं या चित्र बाय प्रदर्शित करते हैं तो उसे फ्लो चार्ट कहते हैं। अगला है, टेस्ट शुड बी कंडक्ट फॉर एवरी पॉसिबल, हर संभव के लिए टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए, डेटा के लिए, केस के लिए, वेरिएबल के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए, ठीक है। तो इन सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विच सिंबल इज यूज टू टेस्ट कंडीशन इन फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट में कंडीशन का परीक्षण किसके द्वारा करते हैं, टर्मिनल, डिसीजन, प्रोसेस, इनपुट, आउटपुट बॉक्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। अगला है, इसका आंसर हो जाएगा आपका डिसीजन बॉक्स, ठीक है। डिसीजन बॉक्स किस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से आपका डिसीजन बॉक्स बनता है, एज ए इस तरह से कुछ डिसीजन बॉक्स आपका बनता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, किसी समस्या को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है नॉलेजेबल बेस को जानना, उस विषय को समझना जिस पर समस्या आधारित है, या फिर ग्राहक के साथ संचार करना, या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट का उपयोग करने के लाभ क्या है। प्रभावी विश्लेषण, उचित डॉक्यूमेंटेशन, कुशल कोडिंग यानी एफिशिएंट कोडिंग, और इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, परीक्षण प्रक्रिया का पहला लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द टेस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, पहला है बग प्रिवेंशन यानी बग रोकथाम, फिर विश्लेषण, एनालिसिस, टेस्टिंग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन है आपका बग प्रिवेंशन, है ना, ठीक है। पहले आपको गलतियां निकालनी होती, उनको कम करना होता, बग प्रिवेंशन। अगला है, ए सेट ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप और इंस्ट्रक्शन फॉर कंप्लीटिंग ए टास्क सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड, है ना, पूरी व्यवस्थित रूप से अच्छी तरह से परिभाषित कदम या निर्देश को आप क्या बोलते हैं। सूडो कोड बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, फ्लो चार्ट बोलते हैं या प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका एक एल्गोरिथम बोला जाता है, ठीक है, व्यवस्थित रूप से कार्य करने के लिए अच्छी तरह से परिभाषित कदम, स्टेप लिखे जाते हैं एक एक करके, एक एक करके कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है, उसी को आप एल्गोरिथम बोलते हैं।
अगला है किसी समस्या की समझ के लिए निम्नलिखित में शब्द क्या है, नॉलेजेबल करना, उस विषय को समझना, ग्राहक के साथ संचार, उपयुक्त सभी। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमाएगा आपको इसी तरह से, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, कंप्यूटर के साथ समस्या को हल करते समय सबसे मुश्किल कदम कौन सा है, समस्या का वर्णन करना, सॉफ्टवेयर की लागत का पता करना, कंप्यूटर निर्देश लिखना या समाधान का परीक्षण करना। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कंप्यूटर निर्देश लिखना। ठीक है, प्रोग्राम लिखना सबसे बड़ा काम होता है। अगला है द करेक्टनेस एंड अप्रोप्रिएटनेस ऑफ सॉल्यूशन चेक बी चेक्ड वेरी इजीली, किसकी शुद्धता और उपयुक्तता बहुत आसानी से जांच की सकती है, एल्गोरिथम की, हॉरिस्टिक की, या चिक यानी आपका रैंडम, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है आपका एल्गोरिथम। ठीक है, एल्गोरिथम आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके देता है। अगला है द हायरार्की ऑफ ऑपरेशंस डिनोटेड एज, किसकी इनमें से हायरार्की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप फिर से ध्यान करें, इनमें से किसकी हायरार्की ज़्यादा होती है। पहले आपको प्लस माइनस करना है, फिर पावर करना है, या फिर आपको स्ट्रिक्स और डिवाइड करना है, या फिर पहले आपको बैक स्लैश एंड डिवाइड और मोड, इनमें से कौन सा पहले इस्तेमाल होगा। तो इसका सही ऑप्शन है आपका, अब इसको आप क्रम में रखेंगे, पहला कौन सा इस्तेमाल होगा और दूसरा कौन सा इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो देखिए आप जो पावर है ये सबसे पहले आएगा। ठीक, जैसे जब आप इनमें से अगर सबसे पहले करेंगे तो पावर सबसे आएगा पहले, फिर इसके बाद आपका मोड वाला फंक्शन है जो वो चलेगा। ठीक, और इसके बाद आपका क्या बचा, ये जो आपका स्ट्रिक्स और डिवीजन वाले हैं ये चलेंगे, और इसके बाद जो बचा वो चलेगा। तो इस सीक्वेंस में कौन सा आएगा, बी नंबर आएगा, तो ये आपका बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्न में एल्गोरिथम का प्रकार है, एल्गोरिथम का कौन सा प्रकार है, फ्लो चार्ट है, फ्लूडो कोड है, ग्रीडी है, या कनेक्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपका ग्रीडी। ठीक है, सी नंबर पे। अगला है इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए उपयोग किया जाने वाला सिंबल कौन सा है, इनपुट और आउटपुट दोनों बताना है। एक क्वेश्चन ज़रूर आपको सिंबल इससे मिलेगा आपको फ्लो चार्ट से 100%। अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, फ्लो चार्ट में कंडीशन स्टेटमेंट के लिए सिंबल, ये हम पहले बताए अभी, कंडीशन के लिए आपका इस तरह का इस्तेमाल होता है, कंडीशन इसको बोलते हैं। देखिए यहाँ पर लगभग सभी सिंबल बने हुए हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है फ्लो चार्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहला ये होता है, ठीक है, ओवल, इसका इस्तेमाल करते हैं आप शुरुआत एंड और स्टार्ट दोनों के लिए। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो होता है वो आपका इनपुट और आउटपुट के लिए ये वाला इस्तेमाल होता है। ठीक, और प्रोसेसिंग के लिए ये वाला इस्तेमाल होता है आपका, ये वाला कोने में ऐसे वाला कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान करिएगा, ये वाला कहीं भी इस्तेमाल नहीं होता है। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए हो गया आपका 17 का डी, और फ्लो चार्ट में कंडीशन के लिए ये वाला इस्तेमाल होता है। ये पांच में से कोई आएगा, बस ये पांच आपको ध्यान रखने हैं कौन सा क्या काम करता है। ठीक है, अब आगे डिबगिंग का उपयोग किया जाता है ब्लॉक टेस्टिंग के लिए, या कार्यक्रम यानी फंक्शनैलिटी की व्यवहारिका के लिए, या कार्यक्रम यानी फंक्शन से एरर का पता लगाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी नंबर, ठीक है, एरर का पता लगाने के लिए। अगला है द सिंबल इज यूज एट बिगिनिंग फॉर फ्लो चार्ट, तो शुरुआत करने के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, अभी हमने जैसे बताया, तो इसका इसको इस तरह का जो बना होता है इसको ओवल बोलते हैं। ठीक है, ओवल शेप, ठीक, ये पहला वाला आपका आंसर हो गया ओवल शेप। अगला है एक आइडेंटिफायर की अधिकतम संभव लंबाई क्या है, अब इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा, आइडेंटिफायर की मैक्सिमम या संभवतः लंबाई क्या है। ठीक, तो 31 करेक्टर। ठीक है, अगला है इनमें से कौन सा एक अमान्य वेरिएबल है, माई स्ट्रिंग 1, 5, एसटी स्ट्रिंग 2 और अंडरस्कोर। तो देखिए एक वेरिएबल का नाम कभी भी नंबर वैल्यू के साथ शुरू नहीं होता है, बस ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है वेरिएबल के रूल में से, कि नंबर वैल्यू के साथ शुरू नहीं होता है, अंडरस्कोर के साथ शुरू हो सकता है। ठीक है, तो डी नंबर आपका वैलिड है, और बाद में नंबर हो सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, पर शुरुआत में नंबर वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक, अगला है
किस पूर्व निर्धारित पाइथन फंक्शन का उपयोग लंबाई को खोजने के लिए किया जाता है? तो ये भी फंक्शन भी जरूर आएंगे आपको, प्री डिफाइंड फंक्शन कुछ पूछे जाएंगे किस फंक्शन का क्या काम होता है। तो इसका है लेंथ, और लेंथ के साथ ब्रैकेट, अगला है लेन, लेन के साथ ब्रैकेट और नन, ठीक है। तो इसका 2-3 का आपका सही नंबर हो जाएगा, लेन फंक्शन होता है, लेन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, फंक्शन के साथ। अगला है ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन, पाइथन में सभी कीवर्ड लोअर केस होते हैं, अपर केस होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं, उल्लेखित नहीं है। तो देखिए 24 नंबर का डी नंबर सही है, उल्लेखित नहीं है, वो इसलिए कि कुछ कीवर्ड हैं जो लोअर केस के बाद अपर केस होते हैं, जैसे आपको ट्रू है ना, तो ट्रू आपका टी कैपिटल होगा, फिर ऐसे ये होता है ट्रू, फॉल्स हो गया आपका एफ कैपिटल होता है, ताकि ज़्यादातर जो हैं वो आपके लोअर केस में होते हैं, लेकिन कुछ अपर केस में भी है, इसलिए हम इसको उल्लेखित नहीं, ये वाला डी वाला सही होगा, ठीक। अगला है द फंक्शन विच रीड वन लाइन फ्रॉम स्टेटमेंट इफ इनपुट रिटर्न एज ए स्ट्रिंग, तो कौन सा फंक्शन है आपका जो एक लाइन को पढ़ेगा इनपुट लेने के लिए? तो रॉ इनपुट, इनपुट या इवेल या एक्सेप्ट, सही आंसर हो जाएगा आपका इनपुट। पाइथन स्ट्रिंग स्लाइसिंग की अनुमति देता है, नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सी में साइन किया गया है सी पी पी बी यू जेड जेड स्पेस शिकागो, तो इसका आउटपुट क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बी और यू। इनमें से कौन सा एक इनवैलिड कथन है या स्टेटमेंट है? ए बी सी में साइन किया गया है ये वैल्यू, फिर ए स्पेस बी स्पेस सी में ये वैल्यू साइन किया गया है, और ए कमा बी कमा सी में कुछ तीन वैल्यू साइन किए गए हैं, और ए अंडरस्कोर बी अंडरस्कोर सी में भी ये वैल्यू साइन किया गया है। देखिए पहला वाला बिल्कुल वैलिड है, ये एक वेरिएबल है और उसमें कोई वैल्यू रखा गया है, यानी ए बी सी पूरा एक वेरिएबल है। फिर दूसरा है ए बी सी, देखिए ये ए के बाद स्पेस है, बी के बाद स्पेस है, ये बिल्कुल गलत है, वेरिएबल डिफाइन करते समय हम स्पेस नहीं लगा सकते, ठीक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनवैलिड वो बी नंबर, ठीक है। अगला है जो कि पाइथन में एक आइडेंटिफायर अमंग देन द पाइथन, इनके बीच में कौन सा एक आइडेंटिफायर है? फर्स्ट ए बी सी, देखिए ये फर्स्ट ये गलत हो गया पहला नंबर, क्योंकि ये जो है वो ए बी सी पहले शुरू हुआ है एक वन से, तो वन नहीं हो सकता क्योंकि नंबर वैल्यू के साथ स्टार्ट नहीं होता है। फिर ये डॉलर वन टू ए, ये भी गलत हो गया, ठीक, क्योंकि सिंबल के साथ भी स्टार्ट नहीं होता है। और लेकिन इसमें सिंबल में कुछ एक चीज़ है कि आप अंडर स्कोर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइथन में ऐसा अलाउड है, जिसकी वजह से आपका ये जो सी नंबर है वो सही हो जाएगा, लेकिन एट द रेट का इस्तेमाल से शुरुआत नहीं कर सकते ऐसा सिंबल से, ठीक। तो ये हो गया आपका सही आंसर 28 का सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वेरिएबल नहीं हो सकता? इंट, इन आई टी, इन आई टी ऑन, इनमें से कौन सा एक वेरिएबल नहीं हो सकता, मतलब इनमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है, इनमें से कोई एक कीवर्ड जरूर शामिल है, इसलिए उसको क्योंकि हम वेरिएबल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इनमें से एक कीवर्ड है इसलिए वो वेरिएबल नहीं हो सकता, तो इन का इस्तेमाल आप एज ए कीवर्ड करते हैं, जैसे आप लिखते हैं फार आई इन रेंज ऐसे ना, तो इनका इस्तेमाल आप कीवर्ड के रूप में करते हैं, तो इसका हम वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल नहीं यूज कर सकते, तो इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला है निम्न में से कौन सा एक पाइथन का पूर्व निर्धारित डेटा प्रकार नहीं है, डेटा टाइप इनमें से कौन सा नहीं है? क्लास, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, तो इनमें से क्लास जो है ये आपका एक डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, ये अलग आपका डेटा टाइप का टाइप बताता है, तो ये एक कोई वो नहीं है आपका प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, ठीक है। क्लास, लिस्ट, डिक्शनरी, टपल, ये आपके डेटा टाइप में शामिल है, स्ट्रिंग वगैरह। अगला है ए में 10.2 असाइन किया गया है और बी में 2 असाइन किया गया है, और इसके बाद प्रिंट ए के बाद बी की वैल्यू प्रिंट की गई है ए के साथ करते हुए, लेकिन इसमें इंटीजर डिवीजन का इस्तेमाल किया गया है, डबल स्लैसिंग की गई है, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, यहाँ पर देखिए इसका तो पहला तो एरर है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल बी इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पर स्मॉल बी इस्तेमाल किया गया है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको अगर आप स्मॉल बी समझते हैं इस पहले वाले बी को, तो ऐसा कभी होता है मिस प्रिंट में, अगर इसको स्मॉल बी समझा जाए तो ए का बी के साथ डिवीजन होगा, तो दो के बाद आपको
प्रिंट मिलेगा आंसर में 5.0, ठीक है ऐसा। लेकिन अगर आप इसी तरह से करें जैसे प्रोग्राम में दिया गया है, कैपिटल भी यहाँ लिखा हुआ है और स्मॉल भी यहाँ लिखा हुआ है, तो ये आपका एरर होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आप कर सकते थे, लेकिन अभी इसके हिसाब से पर यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि ये हो सकता है आपका मिस प्रिंट हो, ठीक है। तो स्मॉल बी यहाँ पर रहेगा तो इसका आंसर ये आ जाएगा बी नंबर। अगर इसी तरह से क्वेश्चन है तो फिर आपको डी करना है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। आई में साइन किया गया है 1, अब देखिए यहाँ भी कैपिटल आई लिखा हुआ है, और वाइल ट्रू जब तक ट्रू रहे तो आई का 2 से मॉड्यूल कराने पर ब्रेक, अदरवाइज प्रिंट किया गया है आई का वैल्यू और आई को 1 से बढ़ाया गया है, ठीक है। जब यहाँ पर आई को बढ़ाया जा रहा है तब ध्यान देने की बात है कि यहाँ पर आई कैपिटल लिखा गया है, और जब प्रिंट किया जा रहा है तो यहाँ पर आई स्मॉल लिखा गया है, और जब शुरुआत किया गया है तो भी आई का वैल्यू कैपिटल लिया गया है, यानी आई कैपिटल लिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम नहीं करेगा कोड, ठीक है, कैपिटल और स्मॉल की वजह से। तो इसमें तो नन आना चाहिए, लेकिन आई को अगर आप सेम मानते हैं, सेम यानी आई वही है सब जगह स्मॉल या कैपिटल, तो यहाँ पर भी देखिए स्मॉल लिखा गया है आई इफ़ के बाद, तो अगर आप वही मानते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 13579, क्योंकि जब ये बराबर रहेगा आई शुरू से 1 है और 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो जब जब यह कंडीशन पे आएगा, ठीक है, 0 के बराबर हो जाएगा तो ये आपका प्रिंट करेगा विषम संख्या, तो 13579 11 ऐसे प्रिंट करेगा, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये सम संख्या कंडीशन लगी हुई है, यहाँ पर जो लगी कंडीशन वो सम संख्या के लिए है, मतलब जब भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो ये सम संख्या होगी, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ब्रेक लगेगा, और ब्रेक लगने के बाद फिर जो विषम वाली संख्या होगी वो प्रिंट होगी, तो इसका आंसर होगा आपका 13579 11 ये वाला, ठीक। पेपर में भी अगर आपको ऐसे लग के आ रहा है कैपिटल स्मॉल में तो इस चीज़ का आपको ध्यान देखना, वैसे तो पेपर में ऐसे नहीं आएगा, पर अगर ऐसा आता है तो आप उसको आई ही मानेंगे बिल्कुल, ठीक है, कि आई जो स्मॉल कैपिटल है वो आई माना जाएगा पूरा पूरा। अगला है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। इस कोड का आउटपुट क्या होगा, 9 से डिवाइड किया गया है 2 से, तो ये इंटीजर डिवीजन है यानी दशमलव में आंसर नहीं आएगा, पर पॉइंट लग के आएगा अगर पॉइंट होगा, तो 2 का भाग करेंगे 9 में से तो ये आएगा 4, और 0.0 करके प्रिंट होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सी नंबर 4.0। अगला है 33, निम्न में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। ये सेम उसी तरह क्वेश्चन आया, देखिए आई पे शुरुआत किया गया है और फिर वाइल ट्रू इफ़ ये 3 का यहाँ पर 3 से डिवाइड किया गया है आई को, ठीक है, तो उसी तरह से ये भी चलेगा, लेकिन वाइल ट्रू इफ़ आई का वैल्यू, अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ लगाया गया, ये जो इक्वल टू लगाया गया वो 3 इक्वल टू लगाया गया है, तो पाइथन में ऐसा कहीं अलाउड नहीं है, तो ये सरासर आपका एरर है, ठीक है, इस तरह के बिल्कुल आपको देख लेना है। अगला क्वेश्चन, व्हाट विल द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग स्नैप्ड। अगर एक्स के साथ 2 को रिमाइंड किया जाता है तो ये है आपका बिटवाइज ऑपरेटर, जो बाइनरी डिजिट को 2 वैल्यू से शिफ्ट करेगा बैक पे, तो इसका बाइनरी निकाल के आप शिफ्ट करेंगे 2 बैक पीछे वाली बाइनरी की वैल्यू ली जाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 8 पे, ठीक है, बाइनरी निकाल के आपको 2 वैल्यू पीछे शिफ्ट करनी है, अगर कहीं ऐसे लगा है तो 2 वैल्यू आगे शिफ्ट करना है बाइनरी का। अगला है, निम्नलिखित पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। इंट 1010, अब देखिए ये है बाइनरी वैल्यू 10101, तो इसका आंसर क्या होगा 11, ठीक। अगला है, विच ऑफ वन फ्लोर डिवीजन, इनमें से कौन सा फ्लोर डिवीजन है, बस आपको ये बताना है, फ्लोर मतलब फ्लोर डिवीजन ना, पॉइंट वाला डिवीजन, तो इसको सभी लोग जानते होंगे फ्लोर डिवीजन, ठीक है, 37 का
बी ऑप्शन। अगला है व्हाट इज द ऑर्डर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंसी इन पाइथन। प्रेसिडेंसी का ऑर्डर क्या है, यानी पहले पैरेंथेसिस लगेगा, फिर एक्सपोनेंशियल लगेगा और फिर गुणा। पैरेंथेसिस मतलब है ये ब्रैकेट आपका इस तरह, ये ब्रैकेट पैरेंथेसिस होता है, और एक्सपोनेंशियल मतलब ये आप दो टाइम ऐसे इस्तेमाल करते हैं, एक्सपोनेंशियल हो गया। मल्टीप्लाई मतलब वन टाइम आप इस ट्रिक्स इस्तेमाल करते हैं, और ये आपको डिवीजन है वो ऐसे, ये डिवीजन हो गया बस आपका, और इसके बाद सबट्रैक्शन घटाओ। तो इनमें से सबसे पहला कौन चलता है, फिर बाद में कौन चलता है, ऐसे करके आपको इसका आंसर समझना है। तो पहले कौन सा चलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये ऑप्शन आपके दिए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आपको क्या क्या सबसे पहले देखिए, ये चलता है, पैरेंथेसिस कहीं भी लगा है तो सबसे पहले ये चलेगा। इसके बाद आपका दूसरे नंबर पे लिखा है एक्सपोटेंशियल, ठीक है, तो फिर आपका ये चलेगा एक्सपोटेंशियल वाला, यानी कहीं पर आपको इस तरह दो बार ये लगा मिलता है तो पहले ये चलेगा, ठीक। और इसके बाद फिर आपका चलेगा इनमें से जो लिखा है वो। अब अगर कहीं भी एक और समझ लीजिए, अगर कहीं भी इस तरह के क्वेश्चन दिए हों, जैसे आपको अब डिवीजन या फिर डिवीजन के साथ मल्टीप्लाई या विभाजन जो भी आपका लिखा है ना, तो जो पहले लिखा है वही चलेगा। मान लीजिए पहले ये लिखा है और फिर ये लिखा है, फिर ये लिखा है, मॉडुलस भी लगा हुआ है, तो इनमें से कौन सा पहले चलेगा, तो इनमें से जो भी पहले लिखा होगा वो पहले चलेगा, ठीक है। तो इसके बाद आपका गुणा आ जाएगा, फिर विभाजन, और फिर ये जो है दो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और प्लस, प्लस और माइनस, इन दोनों में से पहले कौन चलेगा, तो जो पहले लिखा होगा यानी पहले जो आएगा वही पहले चलेगा, लेकिन इन दोनों में से सबसे पहले ये चलेंगे और फिर ये चलेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल पहला वाला, एक तरफ से ही सभी लिखे हुए हैं, ये भी आपको याद कर लेना है, बिल्कुल सही तरीका लिखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक। अगला है निम्न में से पाइथन एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा, ये भी पिछले जैसा है। व्हाइल आई की वैल्यू हो तीन से कम, तब तक प्रिंट करना है आई की वैल्यू, और आई के एक एक से बढ़ाना है, और एल्स में प्रिंट करना है जीरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए या तो ये चलेगा या तो ये चलेगा, कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी तो ये चलेगा। तो पहले जीरो प्रिंट होगा, आई की वैल्यू कम है जीरो, फिर वन आएगा, आई की वैल्यू कम है, फिर टू आएगा, आई की वैल्यू कम है तीन से, तो जीरो वन टू प्रिंट होगा, ठीक, बी नंबर। अगला है जिनमें से किससे किसकी एक्सप्रेशन में सर्वोच्च मिसाल है, घातक, कोष्टक, गुणा। अब ये फिर से आ गया वही है ना, प्रेसिडेंसी के बारे में कि कौन सा, अब इनमें से आगे पीछे लिखा हुआ है तो इनमें से कौन सा पहले चलेगा, इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है, यानी पहले क्या एक्सपोनेंशियल चलेगा या पैरेंथेसिस या गुणा या इनमें से कोई नहीं, कौन सा चलेगा। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है प्रेसिडेंसी में वो पैरेंथेसिस, ठीक, ऐसा ब्रैकेट जहाँ लगा हो सबसे पहले वही चलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक पाइथन टपल है, ठीक है। तो पहला वाला आप जानते हैं लिस्ट हो गया, दूसरा वाला ये सेट हो गया, और तीसरा वाला आपका ये टपल हो गया। तो 41 का आपका सही आंसर है सी नंबर, ठीक, टपल। अच्छा एक चीज़ और ध्यान देनी है कि ये जो है जो डिक्शनरी होता है उसमें भी ये ब्रैकेट लगा होता है, लेकिन डिक्शनरी में दो वैल्यू को ऐसे सेपरेट किया जाता है इस तरह से, ठीक, दो वैल्यू रहता है, की और वैल्यू, की और वैल्यू दोनों रहता है। अगला है सपोज लिस्ट वन ये है, और मान लीजिए कि लिस्ट ये है, तो सम लिस्ट वन क्या प्रिंट होगा, लिस्ट वन का सम क्या प्रिंट होगा। तो सम एक इन बिल्ट इन फंक्शन है, तो बिल्ट इन फंक्शन जैसे हम लगाएंगे तो इसके अंदर जो भी वैल्यूज है उनका सम होगा, तो ये होगा 9, 1, 10, 5, 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए नंबर 15, यानी सभी का वैल्यू का एड हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एग्जीक्यूशन लिस्ट हेलो, इसका क्या होगा, हेलो का आउटपुट क्या होगा लिस्ट के साथ इसको अगर प्रिंट किया जाए, तो डबल ओ एच ई एल एल ओ और इनमें से क्या प्रिंट होगा। 43 का सही आंसर बताएं, तो देखिए एक लिस्ट में प्रिंट किया जा रहा है, हेलो स्ट्रिंग है लेकिन उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया गया, और जब उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, एच ई एल एल ओ एज ए स्ट्रिंग और एज ए लिस्ट, और लिस्ट में हर वैल्यू ऐसे सेपरेट होगा अलग अलग, ठीक है। अगला है निम्न में लिखित में से पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा, ए
में कुछ वैल्यू रखी गई है, फिर ए डॉट अपेंड 87, ए में 87 को अपेंड किया गया है, फिर ए डॉट एक्सटेंड, ठीक है, 45 और 67, एक्सटेंड मतलब चेंज करना, और फिर ए को प्रिंट किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 13, 56 ये आपका एक्सटेंड हो जाएगा उसमें, और 17 ये तो पहले है, फिर अपेंड किया गया है 87, तो 87 हो गया आपका एज ए लिस्ट, ठीक है, और फिर 45 और 46 एक्सटेंड किया गया उसमें बढ़ाया गया है, तो पूरा पूरा आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है। अगला है सपोज लिस्ट ये है और लिस्ट को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या प्रिंट होगा, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो प्रिंट मिलेगा वो क्या होगा, यानी 2 बार 1 2 3 1 2 3 प्रिंट होना चाहिए, 2 से प्रिंट करने का मतलब कि लिस्ट 2 बार प्रिंट होगा, ठीक है, तो 1 2 3 और 1 2 3 लिस्ट 2 बार प्रिंट होगी। इस तरह लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप एल पे 2 का गुणा करें तो एल पे लिखे हुए एलिमेंट का गुणा हो जाएगा, नहीं, इसका मतलब है कि एल जो हमारी स्ट्रिंग है, मान लीजिए लिस्ट 1 है, तो हमारी जो लिस्ट 1 है उसको 2 टाइम चलाना है, इसका मतलब ये है, ठीक है, तो इंटू 2 का मतलब है कि वो 2 टाइम प्रिंट होगा, तो ये पहली बार हो गया फिर ये दूसरी बार, तो इसलिए ये 2 बार प्रिंट होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चन आपको ध्यान करने हैं, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। अगला है व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज, किस प्रकार का डेटा है, ए में अगर असाइन किया गया ये 3 टाइम आपको एक टपल असाइन किया गया है लिस्ट के अंदर ए में, तो एरे ऑफ टपल है, लिस्ट ऑफ टपल है, टपल का लिस्ट है या फिर इनवैलिड है, इस तरह का मान नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये है आपका लिस्ट, है ना, 3 लिस्ट, एक लिस्ट है और उसके अंदर क्या है टपल, तो ये हो गया लिस्ट ऑफ टपल। अगला है इनमें से कौन सा शब्दकोश की गोफरा नहीं करते हैं, डिक्शनरी इनमें से कौन सा वैलिड डिक्शनरी का टाइप नहीं है ये बताना है। पहला है 1A और 2B, फिर है 1A 2B, डिक्शनरी ए लिस्ट और 2B, और फिर ब्लैंक, तो ब्लैंक भी कर सकते हैं, ठीक है, ये तो ब्लैंक हो गया तो ये करेक्ट ही है डी नंबर। अब अगला पिछला पहला वाला है जैसे, तो इसमें एक में डबल कोट और एक में सिंगल कोट लगाया है, पहले ए में एक तरफ डबल कोट एक तरफ सिंगल कोट लगा है, तो इसको आपको चेक करना है कि ये कैसे हो सकता है, तो देखिए सिंगल कोट्स और डबल कोट्स दोनों अलाउ है पाइथन में, लेकिन यहाँ पर देख रहे हो बी नंबर में डिक्शनरी में हमेशा बीच में कॉलन लगाया जाता है, लेकिन ए के बाद कामा लगाया गया है, 1 के बाद कामा लगाया गया है और 2 के बाद कामा नहीं लगाया गया है, तो ये गलत तरीका है, इस तरह से आप डिक्शनरी डिक्लेरेशन नहीं कर सकते, ठीक, बाकी तीनों तरीके वैलिड है, मतलब आपको डिक्शनरी डिक्लेयर करने के ये 3 तरीके वैलिड हैं, पर बी नंबर का वैलिड नहीं है। अगला है व्हाट विद द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, बस इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका, अब इसमें एक लिस्ट असाइन किया गया है, सॉरी डिक्शनरी असाइन किया गया है ए में, और फॉर आई इन ए यानी ए तक लूप चलाया गया है, प्रिंट करना है आई और जब तक ख़त्म ना हो, यानी सीधी लाइन पे प्रिंट कराना है, इंड है, इसका मतलब होता है नीचे सीधी लाइन में प्रिंट करना, इंड स्क्रीन को एक प्रिंट किया जाता है, तो क्या प्रिंट होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब आई की वैल्यू होगी तो पहला 1 2 3 3 टाइम चलेगा, और तीनों में इसका जो वैल्यू रखा गया है डिक्शनरी का वो ए बी सी है, तो इसका प्रिंट होगा ए बी सी, ठीक है, क्योंकि आई की वैल्यू प्रिंट की गई है, मतलब की के साथ वैल्यू को प्रिंट किया गया है। अगला है 49, इन टू विच ऑफ द फॉलोइंग द इन ऑपरेटर कैन बी यूज टू चेक इफ आइटम इज इन इट, किस तरह से एक आइटम को चेक किया जाएगा अगर उसमें है कोई वैल्यू या नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लिस्ट या फिर डिक्शनरी या फिर सेट, तो देखो तीनों में ये चीज़ हम चेक कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। अगला है इनमें से कौन सी कमांड एक सूची बनाएगी, इनमें से कौन सा है जो एक लिस्ट बनाएगा, ठीक है, ए है, ए में पहले असाइन किया गया है लिस्ट ब्लैंक, ये देखिए लिस्ट का इस तरह से चेंज करने का तरीका है, फंक्शन है लिस्ट ये, और बी लिस्ट 1 और ये ब्लैंक एक लिस्ट है, फिर ए और बी बॉथ और इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये दोनों तरीके सही हैं ऊपर के, तो ए और बी दोनों सही हैं बॉथ ना, ये एक लिस्ट है जिस पे कोई कोई भी हम कन्वर्ट करेंगे, एक ए लिस्ट फंक्शन है ये, ठीक, जैसे हम यहाँ पर एस में एक लिस्ट बनाते इस तरह से और एस को यहाँ लिस्ट के अंदर पास कर देते, तो ये इस लिस्ट
इस लिस्ट को लिस्ट वन में टपल में को लिस्ट में चेंज कर देता, कोई भी टपल स्ट्रिंग जो भी है हम किए हैं तो उसको लिस्ट में चेंज कर देता है, तो लिस्ट फंक्शन है। तो पहला वाला भी वैलिड है, और लिस्ट इस तरह से ब्लैंक लिस्ट हम इस तरह से अलाउड कर सकते हैं, यानी इस तरह से डिक्लेरेशन कर सकते हैं। तो ए और बी दोनों इसके सही हो गया। ठीक, समझना जरूरी है आपको, क्योंकि वैल्यू कभी भी पेपर में चेंज होकर आ सकता है, तो क्वेश्चन समझना जरूरी है। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप पूरे क्वेश्चन देख लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कौन से इसमें लगभग हमने हर तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं कि सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगला है, इनमें से कौन सा गणितीय कार्य को संदर्भित करता है? स्क्वर्ट और आर एच एम बस और एड और आर एच एम बस, इनमें से कौन सा मैथमेटिक कार्य काम करता है? तो इसका सही आंसर है आपका स्क्वर्ट फंक्शन, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर है। स्क्वर्ट ना स्क्वायर रूट पता करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है, फंक्शन को कहाँ परिभाषित किया जाता है? मॉड्यूल में, क्लास में, इन अदर फंक्शन के अंदर में, या फिर इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज? तो इसका सही आंसर है मॉड्यूल में ही फंक्शन को परिभाषित करते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा पाइथन में फंक्शन का उपयोग करता है? फंक्शन प्रोग्रामों को पुनः प्रयोग, टुकड़े यानी प्रोग्राम्स की पीसेस। अगला है, फंक्शन अपने आवेदन के लिए बाहर मॉड्यूल तक प्रदान नहीं करता, और ऑल ऑफ मेंशनड। क्वेश्चन एक बार सही से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका है, फंक्शन को, फंक्शन आर रीयूजेबल पीस ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, फंक्शन हम एक फंक्शन बनाने के बाद बार बार हम उसको यूज कर सकते हैं। अगला है, निम्न में से आउटपुट क्या होगा? एक्स में 50 असाइन किया गया है, और एक फंक्शन बनाया गया है डेफ फंग एक्स, और प्रिंट किया गया है एक्स इज एक्स की वैल्यू, और एक्स में नीचे साइन किया गया है 2। इसमें पहले प्रिंट होगा जो एक्स की वैल्यू फंक्शन के अंदर, तो फंक्शन चेंज टू लोकल 5 नंबर पे और फंक्शन एक्स, फिर बाद में फंक्शन को कॉल किया गया है एक्स की वैल्यू पास करके। एक्स की वैल्यू यहाँ पर पास की गई है, ठीक है, और एक्स में वैल्यू क्या है, ये 50 है। ये आपको देखना है, जब फंक्शन चलेगा तो एक्स की वैल्यू यहाँ पास होगी और इस वाले एक्स में आएगा वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर एक एक्स में 2 असाइन किया गया है लोकल वेरिएबल के रूप में, ये भी आपको ध्यान देना है। तो क्या प्रिंट होगा ये आपको देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जब प्रिंट चलेगा तो पहले वाले प्रिंट से जो एक और दो, ये प्रिंट भी आपको देखना है कि यहाँ भी एक्स की वैल्यू प्रिंट की जा रही है, लेकिन ये फंक्शन के बाहर प्रिंट की जा रही है। ठीक है, तो इस वाली एक्स की वैल्यू क्या होगी, बैक चेंज टू लोकल एक्स की वैल्यू क्या होगी, पहले ये लाइन चलेगी तो एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जो लोकल वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। क्या प्रिंट होगी, फिक्स वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पर 50 रखी गई है, तो एक्स की वैल्यू ये वाला जो लोकल वेरिएबल बनाया गया है उसकी वैल्यू यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी सिंपली। बाकी आपको कुछ नहीं देखना है, पहले ये जो रखा हुआ है एक्स का वैल्यू 50, वो एक्स की वैल्यू 50 यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी एक्स के चलने से। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका 50 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ग्लोबल वेरिएबल बनाया गया है पहले, ग्लोबल वेरिएबल ये एक्स वाला, इसी का वैल्यू यहाँ पर पहले प्रिंट हो जाएगा बस। अगला है, कौन सा कीवर्ड फंक्शन के लिए उपयोग किया जाता है? ये पहले भी हम बता चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट में फन डिफाइन डेफ फंक्शन। ठीक है, तो ये डेफ कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अगला है, निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? डेफ क्यूब एक्स, ये क्यूब नाम का एक फंक्शन बनाया गया है और एक्स एज ए पैरामीटर पास किया गया है, रिटर्न किया जा रहा है एक्स का क्यूब, और एक्स में फिर क्यूब को असाइन किया गया है और 5। देखिए अब प्रिंट किया गया एक्स को, यहाँ पर क्यूब फंक्शन कॉल किया गया है, तो क्या प्रिंट होगा? सिंपल है, इन लाइन का सीक्वेंस देखें तो ये गलत है। यहाँ पर जब कॉल किया गया है इसको, क्यूब को, तो ये यहाँ से होना चाहिए, और प्रिंट किया गया है तो ये भी यहाँ से होना चाहिए। अगर ये सेम इसी कंडीशन में लिखा है तो ना नाप दीजिए, कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। लेकिन अगर ये सीक्वेंस से लिखा होता, यहाँ से लिखा होता शुरू से, एक्स इक्वल टू क्यू 5, यानी 5 की वैल्यू पास किया गया और फिर प्रिंट किया गया एक्स का, तो 5 का गुणा होगा 3 बार और 125 रिटर्न होगा, और वो एक्स में जाएगा और एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी, तो 125 प्रिंट होगा। लेकिन अगर इसी तरह लिखा हुआ है तो इसका आंसर हो जाएगा ना नाप दीजिए। ठीक, अगला, व्हाट इज द वेरिएबल डिफाइंड आउटसाइड ए फंक्शन रिलेटेड टू एज?
आउटसाइड फंक्शन के आउटसाइड क्या होता है वो बोलते हैं, फंक्शन के अंदर एक होता है वेरिएबल उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल, और फंक्शन के आउटसाइड जो वेरिएबल होता है उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। तो बी नंबर इसका ग्लोबल वेरिएबल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से इस आउटपुट, इस पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। एक मैक्सिमम नाम का फंक्शन डिफाइन किया गया है और उस पर दो पैरामीटर पास किए गए हैं, एक्स और वाई। अगर एक्स बड़ा हो वाई से तो रिटर्न होगा एक्स, और इलिफ अगर एक्स बराबर हो वाई के तो रिटर्न होना चाहिए द नंबर्स आर इक्वल, और इल्स रिटर्न होना चाहिए वाई। और फिर जब प्रिंट किया गया है मैक्सिमम की वैल्यू, ठीक है, और टू और थ्री को यहाँ पर पास किया गया है, तो ठीक है, जब मैक्सिमम कॉल होगा तो टू और थ्री को पास किया गया है। अब दो और तीन अगर x बराबर हो y के, तो ये तो ये वाला आपका इलिप कैंसिल हो गया। अगर x बड़ा है y से तो x, x क्या है यहाँ पर दो, तो ये भी कैंसिल हो गया, और बचा y, इल्स रिटर्न क्या होना चाहिए y, तो ये तीन रिटर्न होगा यहाँ से a, और प्रिंट हो जाएगा तीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी फंक्शन का रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो निम्न में से कौन सा फंक्शन रिटर्न होता है, इंट, नल या इनमें से कोई नहीं, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या फिर डी है एन एग्जीक्यूशन इज थ्रू विदाउट द रिटर्न द रिटर्न स्टेटमेंट, बिना किसी रिटर्न स्टेटमेंट के एक एग्जीक्यूशन वापस किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, नल इंट इनमें से अगर रिटर्न स्टेटमेंट है तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा फंक्शन के लाभों के संदर्भ में सही है, फंक्शन से क्या बेनिफिट हैं। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं कि पहला है कॉम्प्लेक्स समस्याओं का सिमिलर पीसेज में घटाना, ये बिल्कुल ट्रू हो गया, ठीक है, बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटे छोटे पीस में डिवाइड किया जाता है, ये फंक्शन का मेन काम होता है। इसके बाद रिड्यूसिंग डुप्लीकेट ऑफ कोड, किसी कोड को बार बार लिखने से बचना होता है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला है, फाइल के संपूर्ण कमेंट को प्रदर्शित करने के लिए मेथड का उपयोग किया जाता है, संपूर्ण कंटेंट को यानी पूरा पूरा फाइल आपको प्रिंट कराना हो तो किस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, रीड लाइंस, रीड और बॉथ। देखो रीड लाइंस मतलब जितनी सारी लाइनें लिखी हैं उन सबको रीड करेगा, रीड मतलब भी होता है पूरा पूरा रीड करना, तो इन दोनों के इस्तेमाल से आप ये कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया सी नंबर, ए और बी बॉथ। अगला है, टू ओपन ए फाइल, ये एक ऐसा पाथ है फाइल का, हम इस तरह का पाथ पढ़ने के लिए आप किस तरह का सिंटेक्स इनमें से इस्तेमाल करेंगे ये बताना है। तो इन फाइल ओपन सी, और जो आपका फाइल है टेक्स्ट या फिर पाथ है वो बताना है, तो बी नंबर इसका सही हो जाएगा। अगला है, किसी फाइल को बंद करने का सही तरीके पहचानने के लिए निम्न में से कौन सा है, तो बंद करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, फाइल का नाम यानी फाइल का ऑब्जेक्ट लिखना होता है और क्लोज लिखना होता है, बी नंबर, ठीक। अगला है, निम्न में से कौन फाइल की विशेषता नहीं है, क्लोज, सॉफ्ट स्पेस, रीनेम या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो क्लोज भी होता है और सॉफ्ट स्पेस होता है, रीनेम, और तो इसका जो सही आंसर है वो है रीनेमिंग वाला, ये जो है विशेषता नहीं है कोई का विशेष चीज़ नहीं, रीनेम तो होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा मोड बाइनरी डेटा को संदर्भित करेगा, R मतलब होता है रीडेबल, W मतलब होता है राइटेबल यानी राइट करने के लिए, और प्लस का इस्तेमाल करते हैं रीड और राइट दोनों के लिए, और B नंबर होता है बाइनरी के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा D नंबर। अगला है 66 क्वेश्चन, फाइल को रिमूव फाइल, वर्तमान सिंटैक्स क्या है, अगर फाइल को आप है वर्तमान करंट फाइल है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए सिंटैक्स क्या है यानी कैसे रिमूव करेंगे, रिमूव और फंक्शन के अंदर फाइल हाइफन नेम फिर रिमूव न्यू फाइल नेम करंट फाइल नेम इस तरह से, या रिमूव सिर्फ फाइल, तो सी नंबर रिमूव लिखना है और फाइल का नाम लिखना है सिंपली, ये रिमूव फंक्शन है फाइल को अपने आप ही रिमूव करता है। अगला है,
पिकलिंग क्या है, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिकलिंग, इसका उपयोग वस्तु क्रमांक के लिए किया जाता है, इट यूज फॉर ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, सीरियल क्रमांक के लिए, ये याद रखना पिकलिंग। एक कुछ कोई कोई आपको याद करने पड़ेंगे, उसको आपको वन लाइन में तैयार कर लेना है। निम्न में से किन मोड आर्गुमेंट का उपयोग ट्रेन केट के रूप में किया जाता है, टर्न केट, ठीक है, यूज टू टर्न केट, AWFT। तो टर्न केट मतलब है आपका राइटेबल, टर्न केट के लिए भी आपको W का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। अगला है करेक्ट सिंटेक्स ऑफ फाइल राइट लाइन्स इज, राइट लाइन्स का यानी कहानी कई लाइनें लिखना है तो उसका सिंटेक्स क्या है। इसका सही आंसर है आपका, पहला तो फाइल ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, और इसके बाद आपका राइट लाइन्स फंक्शन के अंदर सिक्वेंस जो आपको लिखना है वो, तो सी नंबर इसका सही कमांड है। अगला है फाइल से सिंगल लाइन पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, रीड लाइन्स, रीड लाइन ए और बी बोथ दोनों, तो सिंगल लाइन पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इसका आप समझ गए होंगे कौन सा है, सिंगल लाइन पढ़ने के लिए बी नंबर रीड लाइन का उपयोग करते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा कथन फंक्शन को आमंत्रित करता है, फंक्शन हेडर, फंक्शन डिफिनेशन, फंक्शन कॉल और नन ऑफ दीज। तो फंक्शन आमंत्रित करना मतलब इनवोक करना, तो इनवोक करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो है फंक्शन कॉल, ठीक है, फंक्शन सेल लिखा कॉल है, फंक्शन कॉल करेंगे तभी फंक्शन इनवोक होता है यानी चलता है। अगला है निम्न में से कौन सा आयात से, आयात यानी फ्रॉम इम्पोर्ट, फ्रॉम इम्पोर्ट के रूप के बारे में गलत है, इम्पोर्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आयात का यह रूप नाम के टकराव को रोकता है, दिस फॉर्म ऑफ इम्पोर्ट प्रिवेंट नेम क्लैश, यही वाला फिर आपका ए नंबर आपका ये वाला इसका सही आंसर है कि ये गलत है, ठीक। बाकी सिंटेक्स मॉड्यूल का नाम आयात पहचान करता है, मॉड्यूल नाम स्थानीय का हिस्सा बन जाता है, ठीक है, ये दोनों सही हैं और पहला नंबर आपका गलत हो गया। अगला है इनमें से कौन सी परिभाषा सही ढंग से एक मॉड्यूल का वर्णन करती है, इस तरह की आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर मिलेंगे का, तो इनमें से कौन सा करेक्टली डिजायरेबल ऑफ ए मॉड्यूल, अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं, हिंदी में हैं तो हिंदी समझें और इंग्लिश हिंदी में नहीं है तो इंग्लिश, दोनों लैंग्वेज आपको समझ लेनी है, कहीं अगर आपको प्रॉब्लम होता है समझने में क्वेश्चंस तो दोनों लैंग्वेज में लिखा हुआ क्वेश्चन। पहला है कुछ प्रोग्राम एलिमेंटों को निर्देश प्रदान करने के लिए ट्रिपल कोट्स द्वारा अविकृत हैं, और एक प्रोग्राम में शामिल किए जाने के लिए विशिष्ट कार्य क्षमता का डिजाइन और कार्यान्वयन जरूरी है हर एलिमेंट के लिए, इसका उपयोग कैसे करना इसके निर्देश को प्रभावित करता है, या कोई भी प्रोग्राम जो कोड का पुनः उपयोग करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, एक प्रोग्राम में शामिल किए जाने के लिए विशिष्ट कार्य क्षमता का डिजाइन और कार्यान्वयन जरूरी है। अगला है निम्न में से कौन एक वैध नेम स्पेस नहीं है, ग्लोबल नेम स्पेस, पब्लिक नेम स्पेस, बिल्ट इन नेम स्पेस और लोकल नेम स्पेस। तो इसका सही आंसर है आपका पब्लिक नेम स्पेस, ये नहीं है, ठीक। अगला है किसी दिए गए मॉड्यूल का उपयोग करने वाले प्रोग्राम कोड को मॉड्यूल का क्या कहा जाता है, क्लाइंट या फिर डॉक स्ट्रिंग या इंटरफेस या मॉड्यूलेटरी, क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्लाइंट, ठीक है। अगला है मॉड्यूल एक्सटेंशन के साथ सेव की गई फाइल कौन सी है, .mod, .py, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका सी नंबर, ए और बी दोनों। अगला है मनमाने ढंग से तर्कों में पैरामीटर के नाम से पहले फंक्शन प्रभावित में कौन सा प्रतीक है, सीरियलाइजेशन या डिसीरियलाइजेशन, मेंशन और आला फेवर मेंशन, इनमें से कौन सा। तो ये है आपका इस यूज फॉर ऑब्जेक्ट डिसीरियलाइजेशन, ठीक है, फंक्शन परिभाषा में प्रतीक, ठीक है। अगला है इम्पोर्ट, ये जो स्टार स्ट्रिक्स ऐसे लगा होता है इम्पोर्ट के बाद कहीं कहीं लगाया जाता है, तो म्यूर सभी नामों को इम्पोर्ट करता है जो शुरुआत होता है, किससे शुरुआत होता है, अंडरस्कोर से, एंड से और मॉडुलस से या इनमें से किसी से नहीं।
ठीक है, तो डॉट अंडरस्कोर से जो चालू होते हैं उन सब को इंपोर्ट करता है एक बार में। अगला है विच कैन नॉट कंटेन मल्टीपल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट, इनमें से कई पंक्तियां नहीं ले सकता, डॉक स्ट्रिंग्स, पाइथन पैकेज इंडेक्स, ए और बी, और इनमें से कोई नहीं। तो ये डॉक स्ट्रिंग आपका मल्टीपल लाइन्स नहीं ले सकता है। अगला है पाई पाई स्टैंड्स फॉर, पाई पाई का मतलब क्या है, एक है पी वाई पाई और एक है पी आई पाई, इसका मतलब है पाइथन पैकेज इंडेक्स, ए नंबर पाइथन पैकेज इंडेक्स याद कर लेना है, फुल फॉर्म है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू मैथमेटिकल फंक्शन, इनमें से कौन सा एक मैथमेटिकल फंक्शन को रिफर करता है, इम्पोर्ट नंपाई एच एन पी, एरे एक ब्लैंक रखा गया है, एन पी डॉट एरे 5 8 है, और एरे में 1 को ऐड किया गया है जो आपने पहले ये वाला ब्लैंक वाला एरे बनाया है उस पे, और इसी पे आपको एरे पे पहुंचाया गया है, फिर प्रिंट किया गया है ए आर वाई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, मतलब हो गया ये है आपका एरे 1 2 3 5 और 8। अब इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 हो गया, तो 1 मतलब 2 है, और 2 वाले में 2 के साथ 1 8 करेंगे प्लस 1 ये वाला, तो हो जाएगा 3, ठीक है, दूसरा इंडेक्स पे पहला वाला इंडेक्स, तो इसका आउटपुट जाएगा 3। अगला है करेक्ट सिंटेक्स ऑफ द रीशेप फंक्शन, रीशेप फंक्शन को नंपाई एरे के लिए क्या है रीशेप करने के लिए, मतलब 2D को 3D, 3D को 4D ऐसे करने के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रीशेप एरे और शेप का जो साइज है वो डालना है, तो ए नंबर। अगला है निम्न में से कौन पाइथन फंक्शन में उपयोग करता है, ठीक है, इंपोर्ट किया गया है नंपाई को, फिर नंपाई से भी एक आध सवाल ज़रूर आएंगे आपके, और np डॉट एरे है पहला, और ए में इसे असाइन किया गया है, फिर दूसरा बी में असाइन किया गया है, और सी में असाइन किया गया है ए प्लस बी, और फिर सी में सी इंटू ए। तो देखो अब यहाँ पर जो प्रिंट किया जा रहा है सी वाले को दूसरा इंडेक्स, देखिए दूसरा इंडेक्स आपका जो है वो कौन सा है, यहाँ से ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, और ये दूसरा हो गया, ठीक, जो इसके तीसरे क्रम में है ये दूसरा हो गया, तो 3 और 4 आया यहाँ पर, इसमें 3 और 4 ऐड होगा तो ये हो गया 7 3 4। अब सी को ए से मल्टीप्लाई करना है, तो ए वाला है आपका दूसरा इंडेक्स यहाँ पर 3, ये हो गया 0 1 और ये 2, तो 2 वाला हो गया 3, तो 3 × 7, इस वाले में आया था पहले 7 और ये आ गया 3, तो 7 × 3 क्या हो गया 21। थोड़ा थोड़ा समझ के करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आपको आने की ज़्यादा संभावना है, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर आएंगे। अगला है निम्न में से कौन सी नंपाई लाइब्रेरी में निहित है, एन डायमेंशनल एरे और टूल्स फॉर इंटरग्रेटिंग C++ पैटर्न कोड और फॉरियर ट्रांसफॉर्म या इनमें से सभी, तो इसका सही नंबर है डी नंबर, इनमें से सभी, ये सभी आपके नंपाई लाइब्रेरी में है। अगला पॉइंट आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इनमें से गलत स्टेटमेंट आपको पहचानना है, तो आपको जो सही स्टेटमेंट है वो पहचान लीजिए और जो बचेगा वो रॉन्ग हो गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम बता रहे हैं आपको सी नंबर। आर पाई बहुत सारी वैज्ञानिक दिनचर्या प्रदान करता है जो नंपाई सीस पर काम करता है, तो ये गलत है, बाकी सही है, ठीक है। इनहेरिटेंस एक्टिव पाइथन सेल है, ग्राफिक्स प्लॉट करने की क्षमता देता है, ठीक, ये दोनों सही है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू एक्सेस द नंपाई मॉडल इन पाइथन, कौन सा कीवर्ड आपको नंपाई इस्तेमाल करने का एक्सेस करने का अलाउ करता है, तो ये है आपका फॉर्म, एक्सेस या इंपोर्ट, तो देखिए इंपोर्ट करते हैं हम, तो इसका हो गया आपका सी नंबर, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, अभी जैसे ऊपर आया था क्वेश्चन तो ऐसे करते हैं। अगला है निम्न संयोजन में से किस प्रकार उपयोग इनपुट संयोजन और आउटपुट के लिए जांच करते किया जाता है, तो पहला है डॉट टाइप्स, डॉट टाइप, डॉट क्लास या इनमें सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉट टाइप्स, ए नंबर। अगला है इनमें से कौन सा फंक्शन 1D एरे को कॉलम के रूप में 2D एरे में जोड़ता है, रो स्टॉक, कॉम स्टॉक, कॉलम स्टॉक, इनमें से ऑल ऑफ एबव, नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, ऊपर दिए गए में से कोई नहीं, तो ये है कॉलम स्टॉक, ठीक है, फंक्शन को 1D एरे के कॉलम के रूप में 2D एरे, ठीक।
अगला है, निम्न में से कौन सा एक समान आकृति के साथ एक एरे के रूप में टाइप करता है? आल लाइक, वन अलाइक और अंडरस्कोर, तीनों में वन अलाइक, वंस अलाइक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, वंस अलाइक, एक समान आकृति के साथ एक रूप में टाइप करता है। अगला है 90 नंबर आपका, निम्न में से कौन सा तर्क हमेशा रीशेप फंक्शन में पास करने की आवश्यकता होती है? शेप, एरे, ए एंड बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शेप और एरे दोनों होता है, तो सी नंबर, ए एंड बी दोनों। ये थे आपके 100 क्वेश्चंस। इसके अलावा आप प्लेलिस्ट में जाके और भी बहुत सारे पेपर, सॉल्व पेपर पिछले जो पूछे गए हैं वो आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा वेबसाइट का, ऑनलाइन पेपर, ई बुक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको पूरा मटेरियल मिलेगा। किसी भी टाइप के प्रॉब्लम में, किसी क्वेश्चन के, आप हमें कमेंट करें।